हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी प्रियदर्शना जैन। एंडेमिक जो होता है, एंडेमिक शब्द का अर्थ होता है ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही रहती हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर लिमिटेड रहता है। एंडेमिक शब्द जो है, इसका यूज़ आपको कई बार क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर एंडेमिक टू इंडिया। तो इसमें बर्ड्स, एनिमल्स, यहाँ तक कि फ्लावर्स की भी कैटेगरीज होती हैं, प्लांट्स की भी कैटेगरीज होती हैं। तो वन बाय वन हम लोग एंडेमिक स्पीशीज के बारे में देखेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले एंडेमिज्म के प्रोसीजर को समझते हैं। तो एंडेमिज्म जो है वो एक इकोलॉजिकल स्टेट होती है जिसमें कोई भी स्पीशीज एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कन्फाइंड हो जाती है। तो वो लोकेशन कुछ भी हो सकती है, वो एक आइलैंड हो सकता है, वो एक कंट्री हो सकती है, वो एक कॉन्टिनेंट हो सकता है, एक पर्टिकुलर डिफाइंड जोन हो सकता है। जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज आती है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो ये सारी कंट्रीज़ में अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीशीज जो है वो एंडेमिक है, मतलब वहीं पर कन्फाइंड है, तो हम ये कहते हैं कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है। तो इस तरीके से एंडेमिक होना एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से संबंधित होता है, और वो लोकेशन कुछ भी हो सकती है। ये दो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। नाउ यूजुअली एन एरिया दैट कंटेन्स एंडेमिक स्पीशीज इज आइसोलेटेड इन सम वे सो दैट स्पीशीज हैव डिफिकल्टी स्प्रेडिंग टू अदर एरियाज। तो क्यों ऐसा होता है कि वो वहाँ पर एंडेमिक रह जाती है? क्योंकि आप देखिए, जैसे कि एलिफेंट है, तो एशियाटिक एलिफेंट आपको एशिया में देखने को मिलेगा, फिर अफ्रीका में भी अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं। तो इस तरीके से कोई भी स्पीशीज जो होती है वो नेचुरली माइग्रेट होती है और अपने जो नियर बाई ज्योग्राफिकल लैंड्स होती हैं उन पर मूव करती हैं। तो ऐसा है कि कुछ स्पीशीज जो हैं वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से मूव नहीं कर पाती हैं, या तो उनके एनवायरमेंटल कंडीशन उनको वही पर्टिकुलर चाहिए जिसमें वो रह रही हैं, या फिर उनके हैबिटेट्स वहीं पर अवेलेबल हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए वो वहीं पर आइसोलेटेड हो जाती हैं। इन मोर आइसोलेटेड एनवायरमेंट सच एज हवाइन आइलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन सदर्न टिप्स ऑफ अफ्रीका एज मेनी एज 90% ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग स्पीशीज आर एंडेमिक। कुछ लैंड्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होती हैं, दुनिया से बहुत ज़्यादा दूरी पर, बहुत ज़्यादा अलग जगहों पर होती हैं, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, डिफरेंट होती हैं दुनिया से। तो उन जगहों पर इस तरीके की स्पीशीज, 90% स्पीशीज जो है वो इस तरीके की ही होती है। तो एंडेमिक स्पीशीज वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। एंड इन आइसोलेटेड रीजन्स इंक्लूडिंग यूरोप एंड मच ऑफ द नॉर्थ अमेरिका द परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीशीज कैन बी वेरी स्मॉल। तो चूंकि ये लेस आइसोलेटेड रीजन से नॉर्थ अमेरिका वगैरह, क्यों यहाँ पे काफ़ी कनेक्शन है लैंड के थ्रू दूसरी रीजन्स के साथ, साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है, इस तरीके से चूंकि नेटवर्क उसका बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है स्पीशीज का, इसलिए स्पीशीज बहुत ज़्यादा एंडेमिक नहीं होती है वहाँ पर। नाउ एंडेमिज्म के कॉजेज हैं नैरो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, पुअर अडाप्टेबिलिटी, ज्योग्राफिकल बैरियर्स, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऑल दिस रीजन्स मेक देम कन्फाइंड टू द सिंगल प्लेस, और फिर हम उन्हें एंडेमिक स्पीशीज कहने लगते हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया जो है एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इंडिया के अंदर आता है। वी अकाउंट फॉर 7 to 8% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड स्पीशीज इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की 7 to 8% रिकॉर्डेड स्पीशीज जो है वो इंडिया में पाई जाती है, इंक्लूडिंग 45,000 ऑफ प्लांट्स एंड 91,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल। द कंट्रीज डाइवर्स फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन हैज रिजल्टेड इन अ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स, ग्रासलैंड, वेटलैंड, कोस्टल, मराइन इकोसिस्टम, हर तरीके का इकोसिस्टम आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। और ये डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी इंडिया की, वो ज़्यादा हाई होती है, और यही कॉज होता है कि फिर इतनी हाई बायोडाइवर्सिटी के अंदर एंडेमिक स्पीशीज भी काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी। एक रिच फ्लोरा एंड फौना इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलता है विथ अ फेयरली हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। तो इंडिया के अंदर एंडेमिज्म जो है वो काफ़ी हाई मात्रा में है बिकॉज ऑफ इट्स वेरिड फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय, ये तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं, क्योंकि इनकी क्लाइमेट अपने आप में जो है वो यूनिक है। तो ये तीन स्पेसिफिक जगह जहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब एंडेमिक स्पीशीज़ की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो एक और शब्द यहाँ पर आता है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं उसको एक बार समझ लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के आसपास ही पाई जाती हैं। इट्स अ रीजन विच इज़ अ प्राइम लोकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो फेसेस द थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच मात्रा में पाई जाएगी और जहां पे डिस्ट्रक्शन भी उसी परसेंटेज से उसको थ्रेट रहेगा। मतलब जो जितनी भी स्पीशीज पाई जाएगी वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, जो IUCN की लिस्ट है उसके हिसाब से इस तरीके की कैटेगरी में फॉल होंगी।
इट्स अ प्लेस विच नीड्स अवर इमीजिएट एंड कॉन्स्टेंट अटेंशन टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द फ्यूचर. तो अगर फ्यूचर में आपको बायोडाइवर्सिटी को सस्टेनेबल बनाना है तो ये जो हॉटस्पॉट्स हैं इनको आपको इमीजिएट अटेंशन दे के कंजर्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये दो वो चीज़ें हैं जो किसी भी रीजन को हॉटस्पॉट बनाती हैं. तो वो दो चीज़ें क्या हैं वो हम देख लेते हैं. इट शुड कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स, दैट इज मोर देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल प्लांट्स. तो इतने ज़्यादा तो वहाँ पर प्लांट्स होने चाहिए. देन सेकंड है इट शुड हैव लॉस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट. मतलब वही थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है ये भी फुलफिल होना चाहिए. तो थ्रेट कैसे कि अगर 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट लॉस हो चुका है तो हम उस एरिया को फिर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कह देते हैं. इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 17 मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, शेयर 5 हॉटस्पॉट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड 35 हॉटस्पॉट्स. वर्ल्ड के अंदर ऐसे 35 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनमें से 5 इंडिया और इंडिया के आसपास के क्षेत्रों में आते हैं और ये नेबरिंग कंट्रीज के साथ शेयर किए जाते हैं. तो आप देखिए यहां पर इस मैप में आपको देखने को मिलेगा हिमालय है, इंडो बर्मा रीजन है ये वाला सारा, उसके बाद ये पर्पल कलर का वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के साथ श्रीलंका, देन उसके बाद है सुंडालैंड. सुंडालैंड ये सुंडालैंड का जो एरिया है इसमें निकोबार आइलैंड्स होते हैं नीचे हमारे अंडमान एंड निकोबार. तो ये जो निकोबार आइलैंड्स है इसका हिस्सा सुंडालैंड्स में जाता है. उसके बाद थार डेजर्ट, थार डेजर्ट इज हियर विच वी शेयर विद पाकिस्तान. तो इस तरीके से हमारे शेयर्ड कुछ लैंड्स हैं, शेयर्ड एरियाज हैं जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं. तो उसके बाद अगर हम एंडेमिज्म की बात करें इंडियन बायोडायवर्सिटी में, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 12% मैमल्स हैं वो एंडेमिक हैं. बर्ड्स की संख्या की बात करें 4.5% है, रेप्टाइल्स 45.8%, प्लांट्स 33% एंड एम्फीबियंस 55.8%. तो इस तरीके से एंडेमिज्म जो है इंडिया के अंदर वो कितना परसेंटेज पाया जाता है वो यहाँ पर दिखाया गया है. नाउ एंडेमिक बर्ड डे, एक एंडेमिक बर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो इसके अंदर आपको 26 बर्ड्स की ये लिस्ट है, ये सारे बर्ड्स इंडिया में एंडेमिक हैं. तो अभी हम ये एक लिस्ट है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं. वैसे अगर आप देखेंगे तो अराउंड 70-80 बर्ड्स आपको मिलेंगे. तो उनमें जो इंपॉर्टेंट 26 है वो यहाँ पर ये बर्ड काउंट इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पर लिख के दिए हैं. और अगर इनको हम इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बर्ड्स मानते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जो है हमेशा सिग्निफिकेंट चीजें ही पढ़नी पड़ती है, अदरवाइज बहुत ज्यादा संख्या में चीजें होती है. तो आप बर्ड्स की संख्या की जब भी बात करेंगे तो आप ये वाली लिस्ट जो है इसको आप फॉलो करें. और इसके अलावा ये एक फोटोग्राफ है, ये भी आपके एंडेमिक बर्ड्स का ही फोटोग्राफ है. इसमें नीलगिरी पिपीट, नीलगिरी वुड पिजन, वेनर्ड लाफिंग थ्रश, रफस बैबलर, वाइट बेलेड ट्रिपी. तो आप फोटो के साथ एक बार नाम को पढ़ेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी. सनबर्ड, फ्लाई कैचर, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर. तो इट्स बेटर टू फॉलो दिस फोटोग्राफ्स एंड नेम्स टुगेदर. तो ये जैसे कि मलाबार ग्रे हॉर्नबिल, ऐसा एक निकोबार हॉर्नबिल होता है. तो उस तरीके से ये जितने भी बर्ड्स हैं इनको आप इनके नाम के साथ कोशिश कीजिए फोटो के साथ कनेक्ट करके याद करने की. और बर्ड्स के केस में स्पेशली ऐसा है कि ज़्यादातर लोकेशन का नाम आगे आ जाता है. तो एंडेमिक की अगर जब भी बात होगी एग्जाम्स में तो आपके लिए अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो नाम है ये आपको काफ़ी हद तक कनेक्शन दे देगा. स्टिल दिस लिस्ट यू हैव टू नो वेल. तो ये इस तरीके से आप लिस्ट को अलग अलग तरीके से पढ़िए, इसको रिवाइज करते रहिए. और एंडेमिक बर्ड्स की जब मैं बात करूँ तो जर्डांस कोस्टर, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है. इसका ये फोटोग्राफ है जर्डांस कोस्टर का, बहुत कम लोगों ने इसे देखा है क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर है इसलिए ये पेंट किए जाते हैं, आपको एग्जैक्ट फोटोग्राफ मिलते नहीं है. देन ब्लैक एंड रूफस फ्लाई कैचर, ब्रॉड टेल्ड ग्रास बीड, फॉरेस्ट आउलेट. फॉरेस्ट आउलेट जो है ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है और ये क्रिटिकल पहले तो एक्सटिंक्ट मान लिया गया था फॉरेस्ट आउलेट को, फिर 1990s के आसपास इसको एक बार देखा गया, उसके बाद इसका इसकी विजिबिलिटी कहीं कहीं पर देखी गई और ये भी एक एंडेमिक बर्ड है. उसके बाद ग्रीन अवदात, ग्रे जंगल फॉल, ग्रे ब्रिस्टेड लॉफिंग थ्रश, ये जो हमने यहां पर एक लॉफिंग थ्रश का फोटो देखा था ये रहा वायनाड लॉफिंग थ्रश, ये केरल के अंदर पाया जाता है वायनाड लॉफिंग थ्रश. देन यू विल हैव ग्रे हेडेड बुलबुल, इंटरमीडिएट पराकीट. पराकीट्स इंडिया के अंदर एंडेमिक होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ये रहा हमने देखा था यहां पर मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, दिस इज मालाबार ग्रे हॉर्नबिल. देन मालाबार विस्टलिंग थ्रश, देन नीलगिरी फ्राई कैचर, नीलगिरी पिट, नीलगिरी वुड पिजन, ये सारे नीलगिरी नाम वाले जो हैं ये सारे एंडेमिक हैं तो वो नीलगिरी हिल्स के अंदर पाए जाते हैं. पेंटेड बुश क्वेल, पेंटेड बुश क्वेल भी बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है. देन रेड स्पर फ्लो, रेड स्पर फॉल जो है ये भी इंडिया में पाया जाता है और एंडेमिक है इंडिया के लिए. देन
और एंडेमिक बर्ड्स की यहाँ पर लिस्ट है, इसके अंदर ये पूरी लिस्ट आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको ट्राई कीजिए कि इसके कुछ आप वो यूज़ कर सकें, कोड वर्ड्स या की वर्ड्स वगैरह बना के आप इसको याद रख सकें। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनकी फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे दी है। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन योर येलो थ्रोटेड बुलबुल, ये येलो थ्रोटेड बुलबुल है। देन दिस इज़ अ ब्लू बर्ड, इट्स नेम इज़ ब्लू, वाइट बिल्ड वाइट बेलिड ब्लू फ्लाई कैचर, ये ब्लू फ्लाई कैचर है ये वाला, तो ये ब्लू फ्लाई कैचर। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट है उनके फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर डाल दिए हैं स्लाइड्स में, तो आप इनको देखेंगे तो थोड़ा सा याद रखने में आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि फोटोज से आप जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, नाम से कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कहीं कहीं पर नाम हमें समझ में भी नहीं आते हैं कि एक्चुअली ये वर्ड जो है, जैसे स्टैग वो शब्द है, तो स्टैग इज़ एक्चुअली हिरन का नाम है, तो वो आपको पता नहीं चल पाता है नाम देख के, तो इसलिए भी फोटो से कनेक्ट करना थोड़ा सा बेटर है। एशियाटिक लायन इन गिर फॉरेस्ट, इसको तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एशियाटिक लायन, ये इंडेंजर्ड एनिमल्स भी हैं, ये जो एनिमल्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है वाइल्ड एनिमल्स हैं और ये इंडेंजर्ड भी है, तो ये ध्यान रखना सारे एनिमल्स इंडेंजर्ड है। एशियाटिक लायन गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, इसका ओनली हैबिटेट गिर फॉरेस्ट है। फिर संगाई डियर, ये है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकटक लेक मणिपुर के अंदर, संगाई डियर, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ संगाई डियर, ये भी एंडेमिक है और सिर्फ इसी एरिया में पाया जाता है। तो जो एंडेमिक है लेकिन और उसके बाद भी उसका इंडिया में भी एरिया फिक्स है, स्टेट फिक्स है, उसके आगे मैंने स्टेट और एरियाज के नाम भी लिख दिए हैं। जैसे नीलगिरी थार है तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, एरिवकुलम नेशनल पार्क, ये दो जगह पर पाया जाता है नीलगिरी थार, दिस इज नीलगिरी थार। देन ब्रॉन्सबेक वाइन स्नेक, देन पर्पल फ्रॉग, देन लायन टेल्ड मसाक एंड मलाबार सीवेट, दे आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, ये सारी वेस्टर्न घाट्स की एंडेमिक स्पीशीज हैं, सारी की सारी इंडेंजर्ड हैं। लायन टेल्ड मसाक जो है ये है, लायन टेल्ड मसाक, लायन टेल्ड इसलिए कहते हैं इसकी पूंछ जो है वो लायन के जैसी है, इसका चेहरा भी थोड़ा थोड़ा लायन के जैसा होता है, इसलिए इसको लायन जो शब्द है इसके आगे ऐड कर दिया जाता है। नाउ उसके बाद कश्मीरी स्टाक, कश्मीरी स्टैग ये है, आपको स्नो के बीच में ये देखने को मिल रहा है कश्मीरी स्टाक। देन पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग एक पिग के टाइप का एनिमल होता है, बहुत शॉर्ट सा होता है, छोटा होता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मानस नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। नीलगिरी ब्लू रॉबिन नीलगिरी माउंटेन्स में पाया जाता है, शोला फॉरेस्ट के अंदर। अन्नामलाई ग्लाइडिंग फ्रॉग, एक ग्लाइडिंग फ्रॉग है, अन्नामलाई हिल्स के अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप के फ्रॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। एक ग्रीन फ्रॉग भी होता है वहां पर, पर्टिकुलर ग्रीन, बहुत ही ज्यादा पत्ते के जैसा आकार होता है उसका, तो वो भी अन्नामलाई वाले हिल्स के अंदर पाया जाता है। देन नामडफा फ्लाइंग स्क्वायरल, नामडफा फ्लाइंग स्क्वेरल्स जो है नामडफा नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है नामडफा नेशनल पार्क। ये ऐसी गिलहरी है जो काफी बड़ी सी होती है, रेड कलर की होती है और उड़ती है ये, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद कुछ और एंडेमिक वाइल्ड एनिमल्स, इनमें से कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड होंगे, कुछ वल्नरेबल होंगे, तो जैसे मद्रास हेजहॉग, हिस्पिड हैरे, नीलगिरी मार्टेन, गोल्डन लंगूर, क्रैब्ड लंगूर, नीलगिरी ब्लू बुल, ये नीलगिरी लंगूर है जो यहाँ पे मैंने फोटो दिखाई है, ये वाइट टूथेड श्रू है, ये अंडमान के अंदर पाया जाता है वाइट टूथेड श्रू, ये क्रिटिकली इंडेंजर है और सिर्फ अंडमान वाले ही क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कोंडाना रैट, कोंडाना रैट जो है सिंहगढ़ प्लेटू, पुणे के पास में सिंहगढ़ प्लेटू है, ये क्रिटिकली इंजर्ड है कोंडाना रैट और सीगल प्लेटू में पाया जाता है। लार्ज रॉक रैट और एल्वीरा रैट, ये भी क्रिटिकली इंजर्ड है, ईस्टर्न घाट्स के अंदर पाया जाता है। और ये जो ब्लू कलर का आपको स्पाइडर जैसा देखने को मिल रहा है, इट इज गुटा टारंटोला, ये गुटा टारंटोला है, ये ब्लू कलर का होता है और ये भी एंडेमिक है इंडिया में। देन और एंडेमिक वाइल्ड एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो एक और है हार्ड ग्राउंड बारासिंगा, इसे स्वाम्प डियर का ही एक सब स्पीशीज है। वैसे तो स्वैम्प डियर जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश चारों कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हार्ड ग्राउंड बारासिंगा होता है उसकी सब स्पीशीज वो सिर्फ और सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क में ही पाई जाती है और ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है। उसके बाद टाइगर टोड, ये जो आपको फ्रॉग यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसकी स्किन जो होती है वो टाइगर के जैसी, इसका मतलब स्ट्रिप्स होती है इसके ऊपर और इसकी चमक भी टाइगर की तरह ही होती है काफ़ी, इसकी आंखें भी कहते हैं कि जस्ट लाइक टाइगर ही हैज आइज, इसलिए इसको टाइगर टोड कहा जाता है और ये भी क्रिटिकली इंजर्ड है, एंडेंजर्ड है और अम्बोली महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। लेस देन स्क्वायर फुट, स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर ही ये फ्रॉग जो है पाया जाता है, तो ये वाला जो टॉड है ये देखने को बहुत कम मिलता है, तो रेयरली यू कैन सी दिस टॉड, इवन एक्चुअली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है पर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी ऐसा नहीं है जो इसके रिस्टोरेशन के लिए या इसके प्रिजर्वेशन के लिए कोई वर्क कर रहे हों, तो क्योंकि टॉड है तो बहुत ही स्मॉल स्पीशीज है तो उसे बहुत ज़्यादा
इनसिग्निफिकेंट मान लिया जाता है, इसलिए इस तरीके की स्पीशीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं किया जाता, उनके कंजर्वेशन के लिए कोई स्पेशल प्लान नहीं बनाए जाते। सो दीज आर ऑल अबाउट द एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीशीज़। हम मोस्टली इस लेक्चर में एंडेमिक स्पीशीज़ की बात कर रहे थे। अगर हम IUCN की पूरी लिस्ट की बात करें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड वल्नरेबल, तो वो बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर आपको इंडिया के क्रिटिकल एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर इस लिंक पर जाइएगा। यहाँ पर आपको एक PDF डॉक्यूमेंट मिलेगा, उस PDF में इंडिया के ऑलमोस्ट सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स को कवर किया गया है। तो यू कैन सी दिस, इसमें भी फोटोग्राफ्स हैं PDF में, और फोटोग्राफ्स के थ्रू कनेक्ट करके आप सारी लिस्ट को एक बार अच्छे से देख सकते हैं थ्रू दिस एनवायरमेंट मिनिस्ट्री लिंक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग एंड रिवाइजिंग। ये बहुत बड़ी लिस्ट होती है, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इनको जितना हो सके उतना फोटोग्राफ्स के साथ कनेक्ट करके थोड़ा सा याद कीजिएगा तो थोड़ी आसानी रहेगी। एक चीज होती है यहाँ पे, मालाबार कीवेट, ये जो मालाबार कीवेट है ये एक नॉक्टर्नल एनिमल है, रात के अंदर जागता है, बिल्ले के जैसा दिखाई देता है ये, और इसकी इंडिया में 4-5 स्पीशीज पाई जाती है, और ये जो है केरला के अंदर मालाबार वाली साइड में ये एंडेमिक एनिमल है। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।